जैसा कि नाम से ही पता है चिंतामण गणपति, चिंता हर तरह सभी लोगों की। और मैं जहाँ तक जब से यहाँ पर आ रही हूँ, मेरी और मेरी फैमिली की हर मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। और जिन जिन फ्रेंड्स को मैंने इस मंदिर के बारे में बताया है, उनकी मनोकामना पूरी हुई है, तो वो लोग भी कंटिन्यू आ रहे हैं। और सेकंड थिंग कि इस मंदिर के थ्रू जो जैसे अगर कोई पर्सन अगर मंदिर में नहीं आ पा रहा है, अगर वो तो आप मोबाइल के जरिए भी आप पंडित जी को अपना गणपति जी से जो आपकी प्रेयर है वो आप मोबाइल से उनके पंडित जी के थ्रू आप गणपति जी तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि मनोकामना उस व्यक्ति की पूरी हुई है। तो वो और इसके मोबाइल से पहले एक पोस्ट लेटर करके भी हो रही थी, तो उस अमेरिका का है जो बंदा, उसकी प्रेयर पूरी हुई है। तो वो अभी तक उसकी जो प्रेयर है, वो उसका जो वर्क है, वो अभी तक रूटीन कर रखा है उसने। बेटा, ये मंदिर जो है करीब करीब परमार कालीन है। अपने पूरे मालवा क्षेत्र में परमार जाति राजपूतों का राज्य था जब का ये मंदिर, और ये 1284 साल पुराना है। यहाँ पर कई अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी साथ साथ में। जिस प्रकार से औरंगजेब बादशाह यहाँ आया है लूटपाट करने के लिए, उसको भगवान ने अपना विचित्र रूप दिखा करके क्या, और यानी उसको यहाँ ऐसा दृश्य दिखाया कि जो माथा टेक के चला गया, तोड़ फोड़ कहीं कुछ नहीं करी, केवल मंदिर का नकुचा तोड़ करके गया, जैसे निशान अभी तक मौजूद है। यहाँ छत्रपति शिवाजी जो हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं, उनके समर्थ गुरु जी जो समर्थ रामदास जी जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति मारुति नंदन विराजित हैं। और यहाँ पर होलकर महाराजों में से भी अहिल्याबाई भी खुद आई हुई हैं और दूसरे महाराजा भी आए हुए हैं। मोबाइल गणेश का तो ऐसा था, पहले यहाँ कार्ड आया करते थे, पोस्ट कार्ड आते थे, उसके बाद में लिफाफे आना शुरू हुए। लिफाफे और इनका इतना ज़्यादा ये हुआ कि यहाँ से जुड़े हुए विदेशों में लोग हैं, उनके भी लिफाफे, उनकी मनोकामनाएं भी यहाँ उसमें लिफाफे में प्रदेशों में आती हैं, उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। इसके बाद में आजकल क्या होता है कि समय बदल गया, मोबाइल आ गए, तब मोबाइल के ऊपर भी लोगों ने अपने मतलब वो मनोकामनाएं कहते हैं और भगवान की मनोकामनाएं सुनते हैं और पूरी होती है। यहाँ तक कि यहाँ पर कुछ प्रमाण ऐसे भी हैं कि सुनी गोदों को भी भगवान ने भरी। हेलो, हाँ बोलो बेटे, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अच्छा, हाँ बोलो, किनसे बात करना है? अच्छा जी, एक मिनट बेटा, मैं हाँ ये भगवान के पास में लगा रहा हूँ, आप मैं उनसे बात कर रहे हैं। Hello.